हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीए प्रदीप कालरा। आज हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आपके लिए मे बी पॉसिबल बिल्कुल नया हो और आपने कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और आज तो हमें जो चैप्टर करना है इसका थ्योरी कंटेंट और कुछ बेसिक चीज़ों को ही हमें इसमें सीखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट की कंप्यूटेशन करेंगे। ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से पता ही चल रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे हमारा मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट का पता लगाना और बैलेंस शीट बनाना टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड और ऑन सम पर्टिकुलर डे। इसके साथ ही हमारा मेन एम ये भी होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिक के पास दें। अगर कंपनी है तो वो अपने शेयरहोल्डर को बताना चाहेगी कि उसका क्या रिजल्ट रहा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें लोगों को बताना नहीं है बहुत ज़्यादा कि हमारा ये प्रॉफिट है ये। हमारा मेन कैलकुलेशन पार्ट आएगा कॉस्ट की। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप नहीं पता लगा सकते कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। सपोज़ कोई कस्टमर आपके पास आता है और आप जॉब करते हैं, जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है जब कोई कस्टमर आकर आपके पास बताता है, स्पेसिफिकेशन बताता है, मेरे लिए ये काम कर दीजिए। तो जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है सपोज़, और कोई आकर हमें कहता है कि उसे 10 टेबल्स चाहिए और उसका साइज़ उसने बता दिया, तो मुझे उसके लिए ये जॉब करनी है और उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करनी है, लेकिन उसका प्राइस मुझे पहले ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे से कहेगा कि आप बताइए कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे। अगर मैं उससे ये कहूँ पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद में हम बताएंगे इसकी क्या कॉस्टिंग आई है, क्योंकि तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊँगा, तो वो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो मुझे उसे पहले ही बताना पड़ेगा कि इसकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या सेलिंग प्राइस होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडवांस में कॉस्ट का एस्टीमेशन करना पड़ेगा। वर्ड क्या यूज़ करूँ, एस्टीमेशन। तो मुझे एडवांस में कॉस्ट का एस्टीमेशन करना पड़ेगा और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो मुझे पहले से सोचने पड़ेंगे कि ये एक्सपेंस होगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसका सेलिंग प्राइस, उसकी कॉस्ट कंप्यूटेशन एडवांस में करने में। और क्या हेल्प करेगी, हम लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जब हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा इन एडवांस कि हम कितनी प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितनी यूनिट सेल होने वाली है, उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है। ये एक चैप्टर होता है बजटरी कंट्रोल। हम उस बजट में पहले से ही सब बजट बनाकर रखेंगे और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात आएगी तो जो बजट हमने बनाया है और जो हम परफॉर्मेंस एक्चुअल में कर रहे हैं उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसका भी एक अलग चैप्टर है। फिर कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमने सोचा उससे ज़्यादा बाहर एक्सपेंस हो रहा है, तो अगर होगा तो उसे कंट्रोल में रखेंगे। रिड्यूस करने की कॉस्टिंग को रिड्यूस भी करा जाता है। वन इज कॉस्ट कंप्यूटेशन, वन इज कॉस्ट कंट्रोल। मैंने आपको बताया कंट्रोल करना है अगर हमने जो सोचा उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप हाईवे पर चले जाते हैं, एक यहाँ पर दिल्ली नोएडा से लेकर आगरा हमारा एक हाईवे है, तो उस रोड पर आप पहुँच गए और पता चला आपने स्पीड पर ध्यान नहीं दिया, तो आप गाड़ी चल रही है, देखा तो स्पीड है 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड है। तो आप क्या करेंगे, यार नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, स्पीडोमीटर में देखा, तो आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में करेंगे, है ना, कैसे उसे रिड्यूस करेंगे। ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, जब हम देखेंगे हमारे एक्सपेंसेस जो हमने सोचा था, प्लान करा था, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे। तो वन इज कॉस्ट कंप्यूटेशन, वन इज कॉस्ट कंट्रोल एंड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करेंगे, आजकल चाइना से कंपटीशन है, पता चला आप किसी कस्टमर से कोटेशन देते हैं कि हम आपको 50 लाख रुपीज़ में ये काम करके देंगे,
वो कह रहा है कि मेरा जो दूसरे लोग हैं वो 50 नहीं 40 लाख में बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम उसके कंपटीशन में आ पाए। ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें बेसिक थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी पढ़ना स्टूडेंट्स को कई बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल भी सोइएगा मत, थ्योरी पढ़ते पढ़ते पता चला आप सो गए।